हैं और अभी न्यू टेक्नोलॉजी के बहुत ज़्यादा समझते हैं और आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो ग्रास रूट के नौजवान हैं जो वर्कर हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह समझेंगे। और अभी आप देखिए कि ट्विटर पर तो अवामी नेशनल पार्टी के नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। जी मैडम, सोशल मीडिया के क्या अहमियत है आज के सियासी वर्कर के लिए? सोशल मीडिया जो है वो आज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा इन्फॉर्मेशन का टूल है, जिसमें हम एक मिनट के अंदर अपना जो बयानिया है या कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है वो हम अपने जो पार्टी के हार्डकोर वर्कर्स या फॉलोअर्स या सपोर्टर्स हैं उनमें हम बांट सकते हैं। तो सोशल मीडिया की अहमियत आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। फेसबुक से आगे भी दुनिया है सोशल मीडिया में, ट्विटर, यस, हम ज़्यादा अब लोगों का रुझान ट्विटर की तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो कोई तरबियत दे रहे हैं आप अपने वर्क? यस, हम बिल्कुल, हम डिस्ट्रिक्ट, हर डिस्ट्रिक्ट में सोशल मीडिया सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वहाँ पे हम लोगों को वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप कैमरा घुमा के देख ले तो आप रिस्पॉन्स का आपको खुद पता चल जाएगा। जी आवाम हो जी, उर्दू पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपके चैनल की वसात से। पहले तो ये मैं बताना चाहूँगा कि आज जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर आप एनपी के वर्कर्स को देख रहे हैं, तो ये भी आप ही के काम के साथ रिलेटेड एक हमने वर्कशॉप रखा हुआ है। जैसे कि आप आजकल अपनी आवाज़ सोशल मीडिया के ज़रिए हम तक पहुंचा रहे हैं, तो पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं रेगुलर आपका व्यूअर हूँ और आप बहुत ही पॉजिटिव काम कर रहे हैं, अपना मैसेज बहुत सही तरीके से पहुंचा रहे हैं सबको। और मैं सबको ये कहना चाहूँगा कि इसी जो काम, जो मेहनत आप कर रहे हैं, तो सबको मैं ये कहना चाहूँगा आपको देखने के लिए। तो आज जो आप देख रहे हैं, तो ये हम आज ये तस्लीम कर रहे हैं सोशल मीडिया की एक उस खासियत को, उस ज़रूरत को, जो कि हमको बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। आप देख सकते हैं कि आजकल जो पाकिस्तान में, हमारी रियासत में जो हुकूमत है उसकी तंग नज़री आप देख चुके हैं। तो ये जो आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो इसलिए हम बैठे हुए हैं कि सोशल मीडिया सिर्फ फेसबुक का नाम नहीं है, यहाँ पर ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, बहुत सारे ऐसे फॉर्म्स हैं, बहुत सारी ऐसे आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपना पैगाम इजीली और बहुत ही तेज़ और मौसर तरीके से पहुँचाने के लिए। तो आज हम यही अपने कारकुनों को, अपने भाइयों को, अपनी लीडरशिप तक की हद को हम आज ये बताएँगे कि इसकी खासियत, इसकी ज़रूरत, इसका तरीक़ाकार। क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तो हमारी जो आजकल पाकिस्तानी मीडिया है, तो या तो मैं उनको कहूंगा कि इस जालिम जाबिर हुकूमत के साथ मिल गई है या उनसे मजबूर है, तो जो भी वजह हो वो सबको एक बराबर, एक ही इंसाफ उनके साथ नहीं कर सकते, सबको एक बराबर कवरेज नहीं देते वो लोग। तो इसलिए आज हम अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों को, अपनी बहनों को हम आज ट्रेन करेंगे, ये वर्कशॉप है सोशल मीडिया के हवाले से, कि आप आएँ और अपने इस अवामी नेशनल पार्टी के अपनी इस तारीखी तहरीक को किसी का मोहताज ना बनने दें। अगर हमें कोई कवरेज मिलती है या नहीं मिलती, हम अपना पैगाम अपने पाकिस्तानी भाइयों तक, अपने पख्तूनों तक इंशाल्लाह सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ज़रिए इंशाल्लाह घर घर तक पहुँचाएँगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिदादिल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जो इतने अहम और अहमियत के हामिल मौजू पे आपने हमें राय देने के लिए हमें टाइम दिया। ऐसा है कि जितनी भी पार्टियां हैं सोशल मीडिया के मैदान में हमसे आगे नहीं, लेकिन थोड़ा फ़र्क ज़रूर है। हमारे जो आबाओ अजदाद हैं वो खुदाई खिदमतगार तहरीक की वजह से, उनके पुराने उस जो रिवायात हैं उन पे चलते हुए हम पार्टी की डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, लेकिन अब जो हालात बदले हैं, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमने भी फैसला किया है कि अपने उन दोस्तों को जो जिनके आबाओ अजदाद हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया में ट्रेंड नहीं है, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हमने ये जो वर्कशॉप रखा है, तो इसका मुकाबला करने के लिए हमने इनको ट्रेन करने के लिए ये कन्वेंशन मुनक़द किया है। इंशाल्लाह इनको ट्रेन करके दूसरी पार्टियों का मुकाबला करेंगे और सोशल मीडिया, खासकर ट्विटर पे
उनका मुकाबला भी करेंगे और उनको वो जवाब देंगे जो आज तक हम जलसों में तकरीरों में दिया करते थे, तो वो ट्विटर के जरिए, ट्वीट के जरिए और पोस्ट के जरिए इनको देंगे। और महजब जबान इस्तेमाल इंशाल्लाह महजब एनबी का जो हमेशा से वतीरा रहा है, हम महजब जबान में और कानून आईन सब के दायरे में रहते हुए उनको पीटीआई की जबान इंशाल्लाह हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम मलिक रऊफ अवान है, मैं बेसिकली लॉ का स्टूडेंट हूँ, इनकमिंग बैरिस्टर हूँ इंशाल्लाह, और पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे बाबा एएनपी में काफ़ी पुराने हैं, तो मैं भी एएनपी जो है बेसिकली जी मुझे इनहेरिटेड मिली है। सोशल मीडिया के मैदान में एएनपी का वर्कर जो है वो पीटीआई के वर्कर और मुस्लिम लीग नून के वर्कर के मुकाबले में कहाँ पे खड़ा है? देखिए जी, हम मैं बिल्कुल आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, हम काफ़ी पीछे हैं उनसे। मैं अप्रिशिएट करूँगा उनको इनफैक्ट कि काफ़ी अच्छा काम उन्होंने किया है और अपने वर्कर को इतना उन्होंने शऊर दिया है, इतना उन्होंने स्टेबलाइज़ किया है कि वो सोशल मीडिया पे समझते हैं। हमने भी इंशाल्लाह कोशिशें शुरू कर दी हैं, हम भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी उनके बराबर नहीं बल्कि उनसे ऊपर हो जाएंगे। कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं? देखिए जी, हम अभी आप सुन रहे होंगे बाहर हमारा, हम हर जलसा कर रहे हैं, हम ज़िला टू ज़िला जा रहे हैं, हम स्क्रीन्स लगा के, प्रोजेक्टर्स लगा के उनको प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हाउ टू मेक अ ट्रेंड ऑन ट्विटर, इंस्टाग्राम कैसे यूज़ करना है, ट्विटर कैसे यूज़ करना है उस सूरत में। सेकेंडली जी, हम सोशल मीडिया टीम्स बना रहे हैं, फ्रॉम यूसी टू यूसी, पीके टू पीके, एनए टू एनए, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, फिर एक सूबाई लेवल की सोशल मीडिया टीम, तो हम इंशाल्लाह मोबिलाइजिंग नीचे लेवल से शुरू कर रहे हैं जी। देखिए जी, हमारी शुरू से जो पार्टी की पॉलिसी है महजब जबान तमाम सियासी जमातों की थी, लेकिन अब चूँकि पीटीआई की वजह से वो तहजीब ख़त्म हो गई है, तो जाहिर सी बात है जी, हम अपने कारकुनों पे पूरे एतमाद हैं, हमारा कारकुन महजब भी है और इंशाल्लाह हमारी तहजीब, हमारे कल्चर को प्रमोट करेगा जी। थैंक यू। Thank you.
زیادہ ٹولو نمک کے اس پر فیس بک باندھے سمرا خلق دی موسر دلتا فیس بک باندھے کم کم مل گری دی لا سوچت کے ٹولے نیکسٹ 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 دا بیرا مانیو کی دا پرا نا چکم مرگری دا مکوزی گئی زمگا مشر را روان دے پر این روڈ دے دا خیرا را رسی دا پروگرام بڑی روی داری دا پرا نا چکم مرگری دا دے مرتا ولاری او یو مرگر دے دا دی نور کوزی گئی بیرا بیرا مانی دا سلیم پاکستان درخواست دے چکم مرگری دی واپس کی جلسدار علی نوزی سلیم پاکستان درخواست دے چکم مرگری دی واپس کی دا دا عوامی نیشنل پارٹی فیس بک پیج دی زما یقین دی ټول بلای کړي وی نیکسٹ چاندنی دی پروگرام ته تشریف راوړل